महानगर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए शुक्रवार को नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सभी वार्डों के सफाई सुपरवाइजरों और नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया। बैठक का मूल उद्देश्य बरसात के दिनों में नालों व सड़कों पर गंदगी से आमजन को राहत दिलाने के लिए सफाई सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया है, जिससे महानगर में साफ सफाई की व्यवस्था में बाधा न हो। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, सहायक अभियंता मनोज कुमार श्रीवास्तव, लिपिक अजय श्रीवास्तव सहित सभी वार्डो के सुपरवाइजर और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, नगर गोरखपुर में सफाई व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करते हुए नए सिरे से सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कर्मचारियों को ले जाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व में कार्यरत सफाई कर्मचारी जो पुराने ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे थे, पुराने ठेकेदारों ने नए सफाई कर्मियों को कार्य से आने से रोका था। आज सभी सफाई सुपरवाइजर की बैठक की गई कि नगर में किसी प्रकार के सफाई व्यवस्था में व्यवधान ना आने पाए। भारी बारिश को देखते हुए कहीं पे जलभराव या किसी प्रकार के नाला नाली चोक होने की समस्या ना आए। जो जानवर किसी भी प्रकार से सड़कों पर मृत हो रहे हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पे निस्तारण कराया जाए, गड्ढे खुदवा करके वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण कराया जाए। और डंपिंग ग्राउंड में जहां पानी आ जा रहा है वहां किस प्रकार जो है कूड़े को डंप किया जाए, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कराने के लिए और व्यवस्था कराने के लिए आज ये बैठक का आयोजन किया गया था। सभी संबंधित सुपरवाइजर, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अपर नगर आयुक्त को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल मुख्य सचिव महोदय भी आ रहे हैं, इसलिए शहर में विशेष सफाई व्यवस्था रखी जा रही है। सभी मुख्य मार्ग, अंदर के मार्ग, कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था की जा रही है। प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सभी को सुदृढ़ किया जा रहा है। उसी के संबंध में कल की तैयारी की व्यवस्था के लिए आज बैठक की गई है।